ग्वालियर में शराब की दुकान की दीवार तोड़कर शराब चोरी करने वाले ढाबा मालिक सहित उसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ढाबा मालिक ने शराब सेल्समैन को स्पेशल मछली खिलाकर चोरी की योजना बनाई थी। चोरी की शराब बेचने के लिए निकले ढाबा मालिक को पुलिस ने वाहन सहित धर दबोच लिया। यह गाड़ी के पीछे आगे पुलिस लेकर लोगों को अपना रौब दिखाता था। चोरी की गई देसी अंग्रेजी शराब ऑल्टो कार कीमत 3 लाख रुपये का मसरूका बरामद किया है। वहीं पुलिस तीनों चोरों के खिलाफ कार्रवाई में जुट गई है। दरअसल पनिया थाना पुलिस ने एक कार को चेकिंग के दौरान पकड़ा, जिसमें शराब की पेटियां रखी हुई थीं। कार कोमल ढाबा संचालक प्रदीप रावत चल रहा था। जब आरोपी से पूछताछ की तो उसने बताया कि दो अन्य साथियों के साथ मिलकर एक दिन पहले रात के समय शराब ठेके की दुकान से दीवार तोड़कर शराब चुराई थी। शराब दुकान के सेल्समैन मेरे ढाबे पर खाना खाने आए थे, उन्हें स्पेशल मछली खिलाई और उसी वक्त ढाबे में काम करने वाले लड़के और थाने के निगरानी सुधा बदमाश के साथ मिलकर शराब को चुराया था। सभी शराब की पेटियों को घर के पास छिपा कर रखा था। उनमें से देसी शराब को ढाबा में बेचने के लिए ला रहा था। आरोपी ने बताया कि अंग्रेजी शराब की बोतलें अन्य दोनों साथियों के हिस्से में दे दी थी। तभी पुलिस ने ढाबा संचालक की निशानदेही पर दो अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया और तीनों आरोपियों के कब्जे से 1 लाख रुपये कीमत की अंग्रेजी और देसी शराब, एक कार कीमत 3 लाख रुपये का मसरूका बरामद कर जब्त किया है। ढाबा संचालक ने अपनी कार पर आगे और पीछे पुलिस लिखा हुआ था, मैं हमेशा पुलिस लिखकर लोगों पर अपना रौब दिखाकर डराने की कोशिश करता था। फिलहाल पुलिस ने चोरी के मामले में 24 घंटे के अंदर ही सॉल्व कर लिया है और चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर जेल भरने की कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना पनियार अंतर्गत बीती रात शराब के ठेके से दीवार तोड़कर अज्ञात बदमाशों ने लाखों रुपए की शराब चोरी की थी। पुलिस को सूचना मिली, एसपी सर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी परिहार और हम लोगों ने मेहनत की तो जो कोमल ढाबा था उसने षड्यंत्र पूर्वक जो सेल्समैन थे उन लोगों को खाने में व्यस्त कर लिया और इसके बाद जो उसका चौकीदार था और एक चोर के माध्यम से पूरी शराब चोरी कर ली थी, जिसे आज एक कार में जब ये ले जा रहे थे उससे मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई, उसे जब्त कर लिया है और तीनों चोरों के पास से लगभग 3 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया है तो और तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।